अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, थ्री क्लास वी विल स्टार्ट आवर सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज टू बी, इट्स ऑन पेज नंबर 53। थ्री क्लास, ओपन पेज नंबर 53। मेंशन डेट एंड डे एट टॉप ऑफ पेज। Exercise 2B and question number 1 is fill in the blanks। ठीक है, अब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके तो यहाँ पे उनके आंसर्स राइट करने हैं। 100 माइनस 80, ठीक है, 100 में से जब 80 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये देखें। यहाँ पे हमने 100 में से 80 को माइनस किया है, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते तो 1 से कैरी ले लोगे। ठीक है, जब आपके पास क्लास में कोई चीज़ नहीं होती तो आप क्या करते हो, किसी दूसरे बच्चे से बोरो करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कैरी लेंगे। तो यहाँ पे अब जो बच्चा आपको चीज़ देता है उसके पास वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, या कम हो जाती है। तो यहाँ पे जब वन ने वन कैरी दे दिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ज़ीरो। तो ये बन गया आप 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो यहाँ पे क्या आ गया फिर 2। क्वेश्चन नंबर बी, 629 माइनस 29, 629 में से जब 29 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, ये देखें। 629 में से जब हमने 29 को माइनस किया, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, एंड 6 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये आया 600, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 600। क्वेश्चन नंबर सी है 770 माइनस 700, ठीक है, जब 770 में से 700 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, ये देखें। 770 उसमें से 700 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7, ठीक है, आपके पास 7 रुपीज़ से आपने वो खर्च नहीं किए तो कितने रुपीज़ रह जाएंगे आपके पास, यस 7, 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 70। क्वेश्चन नंबर डी है 226 माइनस 20, सो आंसर विल बी, ये देखें, 226 में से जब 20 माइनस करेंगे आप, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, एंड 2 का 2, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 206। ई पे क्वेश्चन है 1094 माइनस 1764 इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, ये देखें, 1894 में से जब 1764 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखें, 130। नाउ थ्री क्लास, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपने उसको पढ़ कर समझना है और फिर बताना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। 90 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1090 इज इक्वल टू 1000। 1090 में से जब आप 90 को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, निकाल दोगे तो आपका आंसर 1000 आएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, 1090 माइनस 90, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, 0 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो यह देखिए 0 आ जाएगा और 1 का 1, तो यह आया 1000। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ट्रू। ठीक है, ना 1090 में से 90 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1000। ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द डिफरेंस ऑफ 3500 एंड 4900 इज 400। यानी कि जब आप, ये देखिए, बड़े डिजिट में से माइनस करते हैं ना, तो 4900 में से जब 3500 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 400 आएगा। ये देखिए, यहाँ पे सॉल्व किया है, 4900 माइनस 3500, बुक पे डिफरेंस लिखा हुआ है तो डिफरेंस का मतलब ही सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 9 में से 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया 1400, बुक पे लिखा हुआ है सिर्फ 400, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है।
क्वेश्चन नंबर सी है, वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द राइट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, एडिशन भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से ही सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। इफ़ वी टेक आउट, अब यहाँ पे टेक आउट मतलब निकाल लेना, और निकालते कैसे है, डिजिट्स में से माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके। इफ़ वी टेक आउट 3894 फ्रॉम 5800 देन रिजल्ट इज 2094। मीनिंग क्या है इसका आप समझे, 5800 में से 3894 को जब आप माइनस कर दोगे, निकाल दोगे, तो आपका आंसर ये आएगा। ये देखें यहाँ पे, ये 5800 में से 3894 को जब माइनस करेंगे, जीरो में से तो 4 माइनस नहीं हो सकते, साथ वाला डिजिट भी ज़ीरो है, तो हम एक से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे। एक से जब कैरी नेक्स्ट को देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये बन जाएगा 10। अब 10 में से जब नेक्स्ट को कैरी देंगे तो ये रह जाएगा 9, और 1 इसके ज़ीरो के साथ मिलकर बन जाएगा 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, ऊपर आ गया था 9। ठीक है, इस 9 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 0। और 7 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकते, सो 5 से कैरी लेंगे, तो 5 से जब कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 1 कैरी चला जाएगा तो ये बन जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। लास्ट है, वी कैन सब्ट्रैक्ट अ 5-डिजिट नंबर फ्रॉम अ 4-डिजिट नंबर। क्या हम 5-डिजिट वाले नंबर को 4-डिजिट वाले नंबर से माइनस कर सकते हैं? ये देखें, यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है 4-डिजिट का नंबर, यानी कि वो नंबर जिसमें चार डिजिट आते हैं, और नीचे लिखा हुआ है 5-डिजिट। तो देखिए, हम माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 5th डिजिट के ऊपर यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। नाउ 3 क्लास, ओपन पेज नंबर 54, राइट डेट एंड डेट टॉप ऑफ पेज। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ के बताना है कि इसमें से इनका करेक्ट आंसर कौन सा है। टेक अवे 1500 फ्रॉम 2500 में से जब 1500 को आप माइनस कर दोगे, निकाल दोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1000। ये देखें यहाँ पे सॉल्व हुआ है, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो, फाइव में से फाइव माइनस करेंगे जीरो, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन, तो ये आंसर आता है 1000। और यहाँ पे 1000 के साथ जो सर्कल था मैंने उसको कलर किया हुआ है, ठीक है, आपने अपनी पेंसिल से कलर करना है। नेक्स्ट है, सब्ट्रैक्टिंग 200 फ्रॉम द सम ऑफ 1200 एंड 7500। ठीक है, आपने 7500 और 1200 को पहले इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उसमें से यहाँ पर 200 को माइनस करना है। तो ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व है, पहले मैंने 7500 1200 को प्लस किया हुआ है, जीरो में जीरो प्लस करेंगे जीरो, जीरो में जीरो प्लस करेंगे जीरो, फाइव प्लस टू इज इक्वल टू 7, एंड 7 + 1 इज इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास आंसर आया है 1700। अब 1700 में से जब 2200 माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो, जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, एंड 8 का 8, तो ये हमारे पास आंसर आया है 1500। ये देखें यहाँ पे इसको मैंने कलर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा है ₹4500, राणा के पास 4500 रुपीज़ हैं। ही स्पेंट ₹3613, उसने 3613 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, यानी कि खर्च कर दिए। ही इज़ लेफ्ट विथ, उसके पास कितने रुपए बाकी बचे हैं? ये देखें यहाँ पे सॉल्व है, रुपीस मनी कितनी थी उसके पास, 4500, उसने स्पेंड कितनी किया, 3613। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जीरो में से तो 3 माइनस नहीं हो सकते, साथ वाला डिजिट भी जीरो है, उससे साथ 5 से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे, 5 से जब कैरी लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 1 कैरी चला जाएगा तो ये बन गया 10। अब 10 से अगेन 0 को कैरी देना तो यहाँ पर आ जाएगा 9,
और ये बन जाएगा 10। 10 में से 3 माइनस होंगे तो 7, 9 में से 1 माइनस होंगे तो 8, 14 में से 6 माइनस होंगे तो 8 एंड 3 में से 3 माइनस होंगे तो ये रह जाएगा यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास आंसर आता है 8,887। तो ये देखें यहाँ पर मैंने रुपीज़ 887 का सर्कल कलर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी है, राफे इज़ 136 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि राफे 136 सेंटीमीटर लंबा है। अनम इज़ 127 सेंटीमीटर टॉल, और अनम की जो हाइट है वो कितनी है, 127 सेंटीमीटर है। राफे इज़ टॉलर देन अनम बाय, तो अब आपने बताना है कि राफे अनम से कितना ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 136 माइनस 127, 7 में 6 में से तो 7 माइनस नहीं हो सकते, 3 से कैरी ले लेंगे, जब 3 से कैरी लेंगे तो यहाँ पर रह गया 2, 1 कैरी चला जाएगा। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 9, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है 9 सेंटीमीटर। ई पे हमारे पास क्वेश्चन है, 5872 माइनस 2167 इक्वल टू, ठीक है, इसमें से 5872 में से 2167 को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ये देखें यहाँ पे इसको माइनस किया हुआ है, 5872 माइनस 2167, 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकते तो 7 में से कैरी ले लेंगे, जब 7 से कैरी देंगे तो यहाँ पर आ गया 6 और ये बन गया 12, 12 में से 7 माइनस होंगे तो 5, 6 में से 6 माइनस होंगे तो 0, 8 में से 1 माइनस होंगे तो 7 एंड 5 में से 2 माइनस होंगे तो 3, तो ये आया 3705। ये देखें यहाँ पे इसको हमने कलर किया हुआ है। SLS स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है, अब आपने इनको माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। जिन बच्चों को ये डायरेक्टली माइनस करना नहीं आता वो साइड पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले डिजिट की लाइंस ड्रॉ करें और फिर नीचे वाला नंबर उसमें से माइनस कर दें, उतनी लाइंस उसमें से कट कर दें, जो लाइंस रिमेनिंग रह जाएंगी वो यहाँ पर लगा दें, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दें। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। ये सिंपल माइनस है, इसमें कोई कैरी नहीं लेना, कैरी हम कब लेते हैं जब ऊपर वाला डिजिट जो है वो नीचे वाले डिजिट से बड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसको हम माइनस नहीं कर सकते। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। ये देखिए सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह से सिंपली सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये देखें, ठीक है। अगर आपको इनमें से फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ 3 क्लास ओपन पेज नंबर 55, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है, अब आपने इसमें 10 से वंस को कैरी देना है, ठीक है, आप देखें वंस वाला जो नंबर है वो 10 वो नीचे वाले नंबर से छोटा है, तो उसको उसमें से हम बड़ा नंबर, छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते, तो हम साथ वाले डिजिट से कैरी ले लेंगे, ठीक है। ये देखें 2 था, 2 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो हमने 3 से कैरी ले लिया, जब 3 से कैरी लेंगे तो ये रह जाएगा 2 और यहाँ पे बन गया 12, 12 में से 7 माइनस होंगे तो 5, 2, 2 में से 1 इजीली माइनस हो सकता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 5 में से 0 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, तो सॉरी 5 में से 0 माइनस हो सकता है। अब 0 देखें, 0 कब होता है, जब कोई डिजिट नहीं होता, ठीक है, जब जिस तरह से 5 रुपीज़ आपको मदर देते हैं और आप उसको स्पेंड नहीं करते, आप उसको खर्च नहीं करते, उससे कोई चीज़ नहीं लेते, तो क्या वो आपकी मनी ख़त्म हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है, नहीं, बल्कि वो उतनी ही रहती है। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 में से 6 माइनस हो सकते हैं, नहीं, ठीक है, तो 4 से कैरी ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कट करके 3 पहले से लिखा हुआ है,
तो ये बन गया 13। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ये सारे क्वेश्चन आपने इसी तरीके से ही सॉल्व करने हैं। देखें, ये क्वेश्चन आपने पहले से ही अपनी बुक पे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। ये जब फर्स्ट 3 वीक्स का काम भेजा गया था आप लोगों का, तो ये क्वेश्चन उसमें शामिल थे। ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं या आपको समझाने हैं कि ये हुए किस तरह। मैं भी कुछ बच्चों ने पीछे से आंसर इसके देख के तो लिख दिए हूँ और उनको समझ ना आ रही हो कि ये आंसर कैसे आए हैं, तो ये इसलिए आपको दोबारा करवाए जा रहे हैं। ये देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें भी आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन ही करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने 100 से कैरी लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। और कैरी उस वक्त लेना है जब नंबर छोटा होगा। अगर नंबर बड़ा हो जाता है तो आपने कैरी नहीं लेना, ठीक है। ये नहीं कि अब कैरी वाले क्वेश्चन आए तो इस नंबर से कैरी लेना स्टार्ट कर दे, नहीं। आपने कैरी उस वक्त लेना है जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होगा, ठीक है। जब नंबर बड़ा हो जाएगा तो आपने कैरी फिर नहीं लेना। 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, तो 6 से कैरी लेंगे, ठीक है। तो 6 को कट करके हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और ये बन गया 12। 12 में से 6 माइनस होंगे तो 6, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकते तो हम कैरी लेंगे यहाँ से, ठीक है। 4 को कट करके लिख देंगे 3, यहाँ पे बन गया 15। 15 में से 7 माइनस होंगे तो आएगा 8। 3 में से 2 इजीली माइनस हो सकता है, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा डिजिट है। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 0, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता तो हमने 5 से कैरी लिया है, ठीक है। एक एक डिजिट से कैरी लेना है, आपने डायरेक्टली यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट नहीं करना। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते तो यहाँ से कैरी ले लेंगे 4, 4 में से 3 रह जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा तो ये बन गया यहाँ पर 14। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 एंड 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। ये देखें आप, यहाँ पे हमने सिर्फ 10 से कैरी लिया हुआ है, 100 से कैरी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैरी लेने के बाद डिजिट बचा था हमारे पास वो इससे बड़ा था, ठीक है। 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो 6 से कैरी ले लेंगे, 6 से जब कैरी लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 5, तो कैरी जब चला जाएगा 2 के पास तो ये बन जाएगा 12। 12 में से 8 माइनस होंगे तो 4, 5 में से 1 माइनस होंगे तो 4, 4 में से 2 माइनस होंगे तो 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपने इसी प्रोसीजर से करने हैं, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन अपनी रफ नोटबुक पे लिख कर तो आपने इनको सॉल्व करना है। हर पार्ट में से 3 या 4 क्वेश्चन अपनी रफ कॉपी पे टेस्ट बनाएं और खुद करें, ठीक है। सो SLS स्टूडेंट्स, इट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर नंबर 3, ठीक है। एक्चुअल लेक्चर नंबर 3, ये देखें अब यहाँ पर इसमें हमने ये फर्स्ट 2 डिजिट पे कैरी नहीं लिया हुआ। 7 में से 2, 5 इजीली माइनस हो सकते हैं तो ये 2, 3 में से 1 माइनस होंगे तो 2, अब 4, 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकते तो यहाँ पे हमने कैरी लिया है ये 2 से, जब कैरी देंगे तो ये बन जाएगा 14, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ये देखें, 6 में से 0 माइनस हो सकते हैं तो 6, 9 में से 8 माइनस हो सकते हैं इजीली तो 1 लिखें, 3, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकते तो कैरी ले लेंगे, 3 में से जब कैरी देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये बन गया 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ये देखें, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करना है अपना लेक्चर नंबर 3, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है रफ बुक पे, ठीक है, रफ कॉपी पे। Stay blessed, stay safe, Allah Hafiz.